Assalamu alaikum my dear class 5. I hope you all are doing well. Welcome to lecture number 18. And today we are going to deal with our book exercise and it is regarding grammar. So you just have to be very active regarding all the lecture so that every point should be clear and you will not feel any difficulty. Okay? Okay my dear students, so now just look at this slide. I have added two pictures here so that your concept regarding hearing and listening, the difference between the word hearing and listening will be clear to you. So first of all, I just want to say that hearing and listening, both words are words. They are words because it is an action. Hearing and listening, both of them are actions. So let's talk about hearing. Hearing is a word in which a sound is just, you know, just unintentionally passed through your ear. आप उसको उस आवाज़ को जो आपके कानों से जस्ट गुजर गई हो, आपने सुनने की कोशिश ना की हो, उसे कहते हैं hearing. जैसे कि I hear the young girl screaming. मैंने एक बच्ची को, एक young बच्ची को चीखते हुए सुना. ठीक है? और लिसनिंग का वर्ड जो है वो इसलिए है कि लिसनिंग जो है वो हमेशा फोकस करके सुनी जाती है. इट इज़ अ वर्ड टू गिव अटेंशन टू द साउंड व्हिच यू आर हियरिंग. ठीक है? तो जैसे आप एग्जांपल ले लें, अ डॉक्टर कैन लिसन टू योर हार्ट बीट. वेन एवर यू गो टू द डॉक्टर, वो आपको स्टेथोस्कोप के साथ आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं. तो जब वो आपको हार्ट बीट को चेक करते हैं, वो बहुत फोकस होके उसको सुन रहे होते हैं, आप बीट को. ठीक है? तो ये फ़र्क है हेयरिंग और लिसनिंग में. हेयरिंग में आप कोई भी चीज़ ऐसी राह चलते हुए गुजरते हुए आपके कानों से गुजर जाती है, उसे कहते हैं हेयरिंग. और लिसनिंग जो चीज़ आप बहुत फोकस होकर सुन रहे होते हैं, उसे कहते हैं लिसनिंग. अब जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, ये आप लिसनिंग कर रहे हैं. ठीक है? आप हेयरिंग नहीं कर रहे. ठीक है? अगर आपको, आप कमरे में बैठे हैं, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है और आपके कानों में जा रही है, तो वो हेयरिंग. ठीक हो गया? तो नेक्स्ट पिक्चर में देखें हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क लिखा हुआ है. कि हेयरिंग आप एक्सीडेंटली कोई चीज़ सुनते हैं, इनवॉलेंट्री होता है ये, और एफर्टलेस, आपको फोकस नहीं करना पड़ता. ठीक है? और लिसनिंग में आपको फोकस करना पड़ता है, ये वॉलेंट्री होते हैं. वॉलेंट्री मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है? और इंटेंशनली मतलब आप जान कर उस चीज़ को सुन रहे हैं, उसे कहते हैं लिसनिंग. ठीक है? तो ये जो दो वर्ड्स हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए. तो आप इनके कॉन्सेप्ट जब अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, तो इट विल नॉट क्रिएट इन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके? ओके माय डियर लिटिल वंस, नाउ कम टू पेज नंबर 29. देयर इज एन एक्सरसाइज ऑफ लर्न वर्ड्स पार्ट 2. रीड दीज सेंटेंसेस नॉट द वे यू कैन एंड कैन नॉट यूज द वर्ड लिसन एंड हियर. आपने लिसन और हियर का वर्ड कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना, ये वो एक्टिविटी है. ठीक है? ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है माय बेल इज़ वर्किंग नाउ, लिसन. अब मेरी घंटी काम कर रही है, इसको सुनो. आप फोकस करके सुनेंगे कि क्या इसकी घंटी वाकई काम कर रही है कि नहीं. तो ये आपने उस साउंड का नोटिस लिया, तो ये लिसनिंग में आएगा. ठीक है? लिसन, देयर इज़ समथिंग आई हैव टू टेल यू. सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. जब आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो आप उसकी बात गौर से सुनते हैं, लिसन करते हैं, हेयर नहीं करते. ठीक है? आई लिसन टू म्यूजिक एवरी मॉर्निंग. आप जब गाना सुनते हैं, तब भी आप बहुत फोकसली सुन रहे होते हैं, उसके लिरिक्स, उसके वर्ड्स, उसका म्यूजिक, एवरीथिंग आप सुन रहे होते हैं. ठीक है? तो वो भी लिसन में आता है, हेयरिंग नहीं होता. आई कांट हेयर वेरी वेल. मैं तुम्हें सही से नहीं सुन पा रहा. मतलब वो उसे कुछ कहना चाह रहा है, उसे आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके उस तक वो आवाज़ पहुँच नहीं रही, वो हेयर नहीं कर पा रहा, उसको सुन नहीं पा रहा. ठीक है? यू कैन नॉट, ओके, शी डिड नॉट हियर टू माई इंस्ट्रक्शन. इस लाइन को काटा हुआ है, शी डिड नॉट हियर टू माई इंस्ट्रक्शन, क्योंकि गलत है. आप इंस्ट्रक्शन जब किसी को देते हैं, तो आप उसको फोकस करके, इंटेंशनली फोकस करके उसको सुनते हैं. ठीक है? आप कभी भी इंस्ट्रक्शन को हेयर नहीं करते. ठीक है? तो यू कैन नॉट हियर टू समवन, यू लिसन टू समवन. ओके? आई कांट लिसन यू. आप ये कभी नहीं कह सकते कि आई कांट लिसन यू, मैं तुम्हें सुन नहीं, दोनों का वर्ड सुनना ही है, लेकिन लिसन का मैंने आपको बताया कि वो फोकसली आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन हियर का मतलब होता है कि आप इनवॉलेंट्री और अनफोकसली वो काम कर रहे हो. तो आई कांट लिसन यू नहीं होता, आई कांट हियर यू होता. ठीक है? तो मैं
डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने माइंड में बिठाएं ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो नाउ जस्ट कम टू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लिसन एंड हियर. बहुत ही फोकसली आपने ध्यान से ये सेंटेंसेस जो हैं वो फिल करना है. पार्ट ए डैश, आई हैव सम ग्रेट न्यूज फॉर यू. क्या आ सकता है? हियर लगा के देखते हैं. हियर आई हैव सम ग्रेट न्यूज फॉर यू, ये तो सूट भी नहीं कर रहा. लिसन, सुनो, आई हैव सम ग्रेट न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर है. ठीक है, आफ्टर दैट प्लीज स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो. आई कैन नॉट डैश यू, आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट लिसन यू, नहीं आ सकता. ठीक है, पार्ट सी, ही डिड नॉट डैश टू माई एडवाइस, ही डिड नॉट हियर टू माई एडवाइस. नो, हियर इज नॉट ट्रू, देखो इसका कोई सेंटेंस भी नहीं बन रहा. He did not listen to my advice. उसने मेरी नसीहत को नहीं सुना. Okay. So part D and E will be done by you. आपने इन दोनों को खुद से करना है. I will just check it out. Okay. Okay, dear students. Before moving ahead, I just want to give you a little concept of simple past and past continuous tense. As you all know, we just read about simple present tense and you all know what was the rules and regulations for that. So it's a very little kind of concept which I'm going to give you so that it will be easy for you to do your exercise. So simple past tense, it is the most simplest sentence in whole English rules and grammar. Okay? इसका जो formula होता है सिंपल past का, तो पहले ये होता है कि ये माजी की बात की गई होती है, जो चीज़ गुजर चुकी होती है उसकी बात की जा रही होती है. इसके अंदर सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं. सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है. ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म्स तो आपको बताऊंगी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है. ठीक है, या हियर आर सम एग्जांपल, शी एट माई एप्पल. अगर यहाँ पे मैं लिख देती कि शी ईट्स माई एप्पल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता. लेकिन आई जस्ट रॉट शी एट माई एप्पल, ईट एट ईटन. ठीक है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. सेकेंड एग्जांपल इज दे जंप्ड टुगेदर, दे जंप्ड टुगेदर, जंप जंप्ड जंप्ड. तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस. अली फ्लू अ काइट, अली फ्लाइज अ काइट भी तो हो सकता था, लेकिन ये प्रेजेंट फॉर्म बन जाती है. हम पास्ट के बारे में बात करें तो वी जस्ट हैव टू राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्लाई फ्लू फ्लॉन. अली फ्लू आ खाई. ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने माइंड में रख रहे हैं, इट विल हेल्प यू आउट. ओके, नाउ मूविंग अहेड, देयर इज अनदर टर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट मतलब जो गुजरी हुई बात हो, कॉन्टिन्यूस मतलब जो गुजरी हुई बात में बात कॉन्टिन्यू हो, जारी हो, उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, वाज एंड वर आर द हेल्पिंग वर्ड्स. ठीक है, जब भी हम पास्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने इसके अंदर वाज और वर लगाना होता है. ठीक है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी का यूज़ होता है, एंड देयर इज़ अ वर्ड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल, आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल. अगर हम लिखते तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता. ठीक है, बट हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और पास्ट का रूल है कि वी जस्ट हैव टू यूज वॉज एंड वर विद द सब्जेक्ट. तो हम लोगों क्या लिखाएंगे, आई वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल, वॉज चॉपिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे. तो दिस इज ऑल्सो अ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. He was singing a song. वो गाना गा रहा था. He was singing a song. You were taking a bath. तुम नहा रहे थे. You were taking a bath. तुम नहा रहे थे. ये it is also an example of past continuous tense. So it is very clear that I, we, you and they. These are the pronouns जिनके साथ हम लोगों ने were का use करना है. ठीक है, एंड ही शी इट के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे. सो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये आपने याद रखनी है ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें. ओके डियर वंस, नाउ लुक एट दिस स्लाइड, इट्स ऑफ पेज नंबर 30, लर्न ग्रामर पार्ट 1. ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर हम लोग
पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट सिंपल के बारे में हम लोगों ने एक्सरसाइज है और ये हम लोगों ने सॉल्व करनी है. राइट आउट व्हाट ईच पर्सन सेड यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब आपको मैं एक कंडीशन बताने लगी हूँ, उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है. अब कंडीशन ये है कि अ ह्यूज बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन द स्ट्रीट, एक गली में धमाका हो गया. मैनी पीपल वर किल्ड एंड बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे लोग मर गए हैं और जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं. सेवरल पीपल स्पोक ऑफ व्हाट दे वर डूइंग एट द टाइम. अब बहुत सारे लोग जब भी कहीं धमाका होता है तो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जो हैं वो न्यूज़ लेने जाते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है. वो तरह तरह के लोगों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे जब धमाका हुआ, आप क्या कर रहे थे, कैसे हुआ, आपने क्या देखा, ठीक है. तो ये वो कंडीशन है. अब रिपोर्टर क्या कहता है, रिपोर्टर कहता है व्हाट वर यू डूइंग एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन. वो किससे पूछ रहा है, काशिफ से पूछ रहे हैं. व्हाट वर यू डूइंग एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, धमाके के वक्त आप क्या कर रहे थे. काशिफ कहते हैं आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं नाश्ता कर रहा था. अब हर करेक्टर के आगे उन्होंने कुछ ब्लैंक्स दी हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स बनानी है और इन न्यू वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आंसर देना है. मतलब वाज इन वर्ड लगाना है और आई एन जी का यूज़ करना है, ठीक है. जिस तरह काशिफ ने कहा आई वाज ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई के साथ क्या आता है, वॉज, ये वर्ड भी आ सकता है, ठीक है. और ईटिंग ईट प्लस आई एन जी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी है, ठीक है. ब्रेकफास्ट, आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट. तो ये आपने इस तरह करके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आंसर देना है, ओके. अब क्षमा के आगे एक ब्लैंक है और आगे ऑप्शन में दिया हुआ है गेट ऑफ द बस. क्षमा क्या कहती है, क्षमा कहती है आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस. आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से उतर रही थी जब धमाका हुआ, ठीक है, ओके. मिसेज रेहान क्या कहती है, मिसेज रेहान के आगे लिखा हुआ है टॉक फोन. तो डेफिनेटली वो फोन पर बात कर रही होंगी, तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे लिखेंगे. मिसेज रेहान आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, ठीक है, ओके. पार्ट ई, मिस्टर एंड मिसेज नदीम, उनके आगे लिखा हुआ ड्रॉप चिल्ड्रन स्कूल. तो अब हम इसको किस तरह कम्प्लीट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से. दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए वी आता है, ठीक है, और वी के साथ हम वॉज नहीं लगाते, वी के साथ क्या लगाते हैं, वर. वी वर ड्रॉपिंग चिल्ड्रन टू द स्कूल, ठीक है, हम बच्चों को स्कूल उतार रहे थे जब धमाका हुआ. सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने 3 एग्जांपल्स बहुत डिटेल में बता दी हैं और आपने पार्ट एफ और पार्ट जी जो है वो खुद से करना है, ठीक है. इफ़ यू फील एनी ट्रबल, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू आस्क मी, आई विल गाइड यू, ओके. सो नाउ जस्ट कम टू पेज नंबर 30, पार्ट नंबर 2, लर्न ग्रामर पार्ट नंबर 2. अब ये क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 कह रहा है हसन वेंट टू द पार्क लास्ट इवनिंग, कल शाम को हसन पार्क में गया था. व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन ही रीच्ड द पार्क, पार्क में क्या हो रहा था जब वो पार्क में पहुंचा, तो क्या हो रहा था. लुक एट द पिक्चर, अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग और आपको एक गार्डन व्यू नज़र आ रहा है. लुक एट द पिक्चर एंड कम्प्लीट द सेंटेंसेज ऑन द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पर जो आपको पेज 30 के ऊपर जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने इस पिक्चर को देखते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इसको आंसर करना है. मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रही हूँ, तो यू जस्ट हैव टू यूज़ वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing. आई, वी, यू, दे के साथ वर एंड ही, शी, इट के साथ वॉज, ठीक है, ओके. अच्छा, पहले हम पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. एक गर्ल है जो स्किपिंग कर रही है, एक डॉग है जो एक बॉय के साथ बॉल खेल रहा है, दो लड़कियां हैं जो बेंच पे बैठी हुई हैं, और पीछे दो लड़के हैं जो पानी पी रहे हैं, और एक लड़की है जो डक्स के साथ खेल रही है, और एक बच्चा है जो आइसक्रीम समथिंग खा रहा है, ठीक है. तो एक व्यू है जहाँ पे सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं. सो लेट्स व्हेन गुड वर्ड्स एन एग्जांपल एंड जस्ट लुक, एग्जांपल में क्या कहें, ताहा डैश प्ले विद हिज डॉग. अब हमने इस सेंटेंस को एक सीक्वेंस में लिखना है, ताहा प्ले विद हिज डॉग. तो ताहा के साथ हम सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे, ताहा वाज प्लेइंग विद हिज डॉग. ताहा वर नहीं आ सकता क्योंकि ताहा सिंगल है, ही है, तो ही के साथ वाज आएगा, ठीक है, ओके. पार्ट ए, लैला एंड सिद्रा दो लोग हैं, तो क्या आएगा, वी आएगा. सिट ऑन अ बेंच, अब हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है तो कैसे लगाएंगे, लैला एंड सिद्रा वर सिटिंग ऑन अ बेंच.
वो लैला एंड सिद्रा बेंच पर बैठी हुई थी। ठीक है, पार्ट बी बुशरा स्किपिंग। बुशरा सिंगल है, शी आता है इसके साथ, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, वॉल। बुशरा वॉल स्किपिंग, बुशरा स्किपिंग कर रही थी। पार्ट सी कनीज एंड कोया, ये भी दो बच्चियां हैं, दो लोग हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ड। कनीज एंड कोया वर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही थी। कनीज एंड कोया वर ड्रिंकिंग वाटर। नाउ पार्ट नंबर डी एंड पार्ट नंबर ई विल बी डन बाय यू। यू जस्ट हैव टू यूज योर माइंड, यूज योर कॉन्सेप्ट, जो आपको समझ आई आपने उस बारे से करना है, देन आई विल जस्ट चेक इट आउट। ओके ओके माई डियर लिटिल वन, नाउ कम टू पेज नंबर 29। देर इज एन एक्सरसाइज ऑफ लर्न वर्ड्स पार्ट टू। रीड दीज सेंटेंसेस नॉट द वे यू कैन एंड कैन नॉट यूज द वर्ड लिसन एंड हियर। आपने लिसन और हियर का वर्ड कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना, ये वो एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई बेल इज वर्किंग नाउ लिसन। अब मेरी घंटी काम कर रही है, इसको सुनो। आप फोकस करके सुनेंगे कि क्या इसकी घंटी वाकई काम कर रही है कि नहीं, तो ये आपने उस साउंड का नोटिस लिया, तो ये लिसनिंग में आएगा। ठीक है, लिसन देयर इज समथिंग आई हैव टू टेल यू, सुनो मुझे। एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।